प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम केबविता है। मैं TSMS कोंडापाक में हिंदी अध्यापिका हूँ। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी, आप उनके उत्तर देने की कोशिश करना, ठीक है? कल हमने क्या सीखा? कल के वीडियो में हमने क्या सीखा? जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमने काल के बारे में जाना है ना, वर्तमान काल और कौन सा काल? बिल्कुल सही कहा, भविष्य काल। काल के कितने प्रकार है? बिल्कुल सही कहा, तीन प्रकार है, वर्तमान काल, भविष्य काल और, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, भूतकाल, उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है? भूतकाल किसे कहते हैं? हाँ मैं बताती हूँ, भूतकाल यानी बीता हुआ समय, बीते हुए समय के बारे में। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि यह क्रिया हो चुकी है, तब हम उसे कहते हैं भूतकाल। जैसे कि उदाहरण के लिए, रमेश पटना गया था, है ना, गया और था, इन दोनों शब्दों से हमें पता चल रहा है कि यह क्रिया हो चुकी है ना, इसलिए वह भूतकाल का वाक्य है। दूसरा वाक्य, पहले मैं पटना में पढ़ता था। इसमें पटना में पढ़ता था, है ना, पढ़ता था और पहले, इन दो शब्दों से हमें पता चलता है कि यह क्रिया हो चुकी है ना, इसलिए इसे भूतकाल का वाक्य कहते हैं। आज हम भूतकाल के भेद भी जानते हैं। भूतकाल के भेद सात है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। फिर से सुनिए, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। इस प्रकार हमें सात प्रकार इसके सीखने हैं, ठीक है? शुरू करते हैं सबसे पहले सामान्य भूतकाल से। देखिए, सामान्य भूतकाल, इसकी व्याख्या या परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं, वे सामान्य भूतकाल होता है। जैसे कि उदाहरण में देखिए, मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। इन वाक्यों में देखिए, अंत में आ, ए, ई ऐसे शब्द आए हैं, है ना, रा, जैसे कि राम ने रावण को मारा, आ की बोध हो रही है। इसके अंत में अगर हम था, थी, थे भी लगाएंगे तो वही अर्थ हमको बोध होगा, जो कि क्रिया हो चुकी है पहले ही। मैंने गाना गाया था, खिलाड़ी खेलने गए थे, सीता गई थी, श्री राम ने रावण को मारा था, है ना, यहाँ पे था, थी, थे अगर आएगा तो भी हमको भूतकाल में ही यह क्रिया पूर्ण हो चुकी इसका बोध हो रहा है, इसलिए इसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा है आसन्न भूतकाल। इसकी व्याख्या या परिभाषा इस प्रकार होती है, आसन्न का अर्थ होता है निकट। जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं अभी हिसार से आया हूँ, मैंने सेब खाया है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, मैं अभी सोकर उठा हूँ। इन वाक्यों में देखिए, यह जो क्रिया है वहाँ पे हो रही है, सेब खाने की हो या बाहर जाकर आने की हो, पढ़ाकर आने हो, कोई भी कार्य यहाँ पे जो भी बताया गया है वो सभी अभी अभी हो रहे हैं, है ना, अभी अभी हुए ऐसा हमको बोध हो रहा है इनको पढ़ने के बाद, इसलिए इसे ऐसे वाक्यों को सब पढ़ते ही हमको समझ लेना कि यह आसन्न भूतकाल के वाक्य हैं। तीसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल।
क्रिया के जिस रूप कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यह उसकी परिभाषा है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं। वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था, इसमें देखिए पूर्ण क्रिया जो है कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हो रही है। वहाँ पे रहा था, घूमा था बोल के नहीं बोल रहा है, घूम रहा था, कहने क्रिया वहाँ पर अभी भी चल रही, पूरा नहीं हो रहा, लेकिन उसके जब उसने देखा था तब वह क्रिया चल रही थी, ऐसा यहाँ पर बोध हो रहा है। इसलिए यह ऐसे वाक्य पढ़ते ही हमें समझ लेना कि यह अपूर्ण भूतकाल के वाक्य है। चौथा प्रकार जो है देखिए पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं वो पूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरणार्थ वह दिल्ली गया था, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसने शाम को मारा था। इन वाक्यों में देखिए ये कब की घटित हो चुकी है संघटनाएं हैं, पूरा क्रिया कंप्लीट होने के बाद उसके बारे में जब बात कर रहे हो तो इस प्रकार हम उसे बोल सकते हैं। इसलिए गया था, हुआ था, मारा था, ऐसा एंड में पूर्ण कंप्लीट क्रिया जब हो जाती है तो हम लोग समझना कि यह पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। उसके बाद देखिए संदिग्ध भूतकाल, इसकी परिभाषा व्याख्या इस प्रकार हो सकती है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो कि वह पूरा हुआ था या नहीं उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे संदिग्ध भूतकाल होते हैं। उदाहरणार्थ वे क्रिकेट खेले होंगे, बस छूट गई होगी, यहाँ पर बोले तो उस संघटना के बारे में पूरी डेफिनेट क्रिया हुई बोल कर नहीं बोल सकते, वहाँ पे हम लोग को संभाव्यता दिखाई देता है, संदिग्धता कि खेले होंगे, वे क्रिकेट खेले होंगे, बस छूट गई होगी, लेकिन छूट गई बोलकर डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ उसके बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेफिनेट जानकारी नहीं है। ऐसे जब वाक्य होते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह संदिग्ध भूतकाल के वाक्य है। अंत में देखिए हेतु हेतुमत भूतकाल, इसकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण में देखिए मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया आधारित है, निर्भर है ना। उद्देश्य जो है तभी पूरा होता है जब उसकी शुरुआत सही हो। तो यहाँ पर मैं अगर आगरा जाता तो ताजमहल देखता, अगर नहीं गया तो नहीं देख सकता था, है ना। इस प्रकार यहाँ पर संभावना बता दे, संभावना जो है दूसरी जो संभावना है पहली क्रिया पर आधारित है, अगर पहली क्रिया नहीं है तो दूसरी क्रिया का होने का संभवता ही यहाँ पर नहीं रहती है, इसलिए इसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। प्यारे छात्रों आज का आपका गृह कार्य है भूतकाल का शाब्दिक अर्थ क्या है, भूतकाल के भेद कितने हैं, पूर्ण भूतकाल के वाक्य पहचानो,
और हेतु हेतु मत भूतकाल के वाक्य पहचानो। ठीक है, इनके उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखकर रखिएगा। प्यारे छात्रों, इस प्रकार आज हमने भूतकाल और भूतकाल के 6 प्रकार हमने सीखे हैं। भूतकाल के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। इस प्रकार हमने 6 प्रकार सीखे हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।